चलते हैं भाई लंदन घूमने, आइए करते हैं स्टार्ट। प्रिल्यूड सेकंड, द प्रिल्यूड्स और फर्स्ट प्रिल्यूड हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अब आइए सेकंड नंबर के प्रिल्यूड के ऊपर, देखिए प्रिल्यूड पार्ट सेकंड। ओल्ड लंदन शहर का सीन है और विंटर की एक शाम का सीन हमने देखा था। सर्दी की एक शाम है, सूर्यास्त हो रहा है, शाम के 6 बजे हुए हैं, कोहरे में लिपटा हुआ दिन है, संध्या काल का समय है, गलियों में जो है मांस के पकने की गंध जो है फैली हुई है चारों तरफ। और इसी दौरान जो है, और इससे पहले उन्होंने कंपेयर किया था, ये समाप्त होता हुआ जो दिन है, इस दिन को उन्होंने सिगरेट के जले हुए टुकड़े, जो लास्ट में जो बचा हुआ रहता है उस जले हुए टुकड़े से जो है इस समाप्त होते हुए दिन को वो कंपेयर कर रहे हैं। अब किन बेसिस पे कर रहे हैं? नंबर वन, वेस्टर्न होराइजन पे जो लालिमा दिखाई देती है वही लालिमा अपने को सिगरेट, जलती हुई सिगरेट में दिखाई देती है, रेड कलर है ना। और सेकेंड जो बेसिस है वो ये है कि जलती हुई सिगरेट में से भी धुआं निकलता है और वहाँ पे भी कोहरा है, तो कोहरा यानी कि वो धुआं और ये धुआं, तो इस बेसिस पे भी उन्होंने जो है उस दिन को बीतते हुए मतलब सिगरेट के उस जलते हुए टुकड़े से कंपेयर किया है। और इसके बाद में वो आगे कहते हैं कि इसी दौरान कुछ समय के बाद जो है अचानक तेज हवा चलना शुरू होती है और बारिश होना शुरू होती है, और तेज जो बारिश होती है वो टूटी हुई कांच के शीशों से टकराती है, चिमनी के पोर्ट से आकर के टकराती है, और उसके बाद में गली के एक कॉर्नर पे उनको जो है घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है। वहाँ पे जो उस गाड़ी में लगा हुआ घोड़ा है वो सांस छोड़ता है तो स्टीम करता है, भाप उससे निकलती है और पैर पटकता है। तो ये सीन है। इसके बाद फिर आगे क्या होता है देखिए, इसके बाद क्या होगी, रात होगी भाई, ये तो शाम का सीन है ना, इसके बाद में रात होगी है ना, रात होगी तो जाहिर सी बात है कि उस गली में रहने वाले इंक्लूडिंग द पोइट उस गली में रहने वाले जितने भी जो मोहल्ले के निवासी हैं वो सभी जाहिर सी बात है कि सो चुके होंगे बढ़िया रजाई में, धप लेकर के है ना, क्या लेकर के, धप लेकर के, नहीं पता आपको धप क्या होती है? अरे धप आगी क्या होता है धप? हाँ क्या होता है कि देखो शुरू में जब अपन रजाई में स्लिप होते हैं, रजाई में जब जाते हैं तो अपने को शुरू में बहुत ठंडी सी फील होती है, वो रजाई होती है ना बहुत ठंडी लगती है, लेकिन कुछ देर के बाद गर्माहट महसूस होना शुरू हो जाती है हमको, उसी को बोलते हैं गर्माहट को, धप आगी। फिर उस टाइम पे अगर सपोज करो अगर कोई आपको बाहर जाने के लिए कह दे, ले यार बाहर चला जा, ना है ना, कि भैया धप आ रही है मैं नहीं जाऊँ कहीं भी, धप आगी बस अब मैं नहीं जाऊँ कहीं भी, फिर आदमी बाहर निकलना मतलब बस, तो उसको बोलते हैं धप, दैट वार्मनेस। दिव्यांशु महसूस की होगी ना। चलिए भाई, तो सारे लोग जो है वहां पर सो गए होंगे कंबल रजाई ओढ़ करके, और उसके बाद में सारी रात भर जो है तारे आकाश में चमचमाते रहते हैं, ठंडी और ज्यादा ठंडी होती जाती है, यानी कि सर्दी और ज्यादा बढ़ती जाती है, टेम्परेचर और कम होता जाता है, और उसके बाद में धीरे 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 जब समय आगे बढ़ता है तो सुबह होने वाली होती है ना, प्रातः काल होने वाला होता है, और जैसे ही सुबह 4 से 6 बजे के बीच का जो टाइम होता है जिसमें धीरे 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 हल्की अपने को दिन की रोशनी दिखाई देना शुरू होती है, यानी धीरे धीरे उजाला होना शुरू होता है, अंधेरा ख़त्म होना जब शुरू होता है, तो उस टाइम का सीन अब सेकेंड प्रिल्यूड में अपने को देखना है। देखिए, सारी रात बीत गई है ना, सब लोग सो गए, उसके बाद पोइट भी सो गए, बारिश आ गई थी क्योंकि बाहर रहने का कोई मतलब नहीं था, ठंड वैसे ही थी, बारिश में भीगेंगे तो जुकाम हो जाएगा, तो इसीलिए पोइट जो है वापस अपने घर में चले गए और आग फायर प्लेस में आग जला करके कम्बल ओढ़ के रजाई ओढ़ के सो गए आराम से। अब उनकी नींद खुली, उनके पास स्मार्ट वॉच थी, तो उस स्मार्ट वॉच में उन्होंने अलार्म भर रखा था, तो जैसे ही 4:15 का टाइम हुआ उनकी स्मार्ट वॉच में जो है अलार्म बजा, टिनी न्यू टिनी न्यू टिनी न्यू, और पोइट की नींद खुली,
और जैसे ही नींद खुली तो वो क्या देखते हैं, देखिए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ये केवल अपन इमेजिन कर रहे हैं, है ना सिर्फ। तो देखिए फिर क्या होता है सेकेंड नंबर के प्रिल्यूड में, देखिए। अच्छा मीनिंग नहीं लिखे थे ना अभी, तो मीनिंग लिखो, मीनिंग लिखो। द मॉर्निंग कम्स, मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होश, चेतना, चेतना, कॉन्शियसनेस। फेंट यानी कि हल्की, फेंट यानी कि हल्की, वो इन्फेंट अलग होता है, इन्फेंट होता है वो। फेंट यानी कि हल्की, स्टेल, स्टेल यानी बासी, जैसे बासी भोजन हो जाता है ना, बासी भोजन, कोई भी चीज़ जब बासी हो जाती है तो स्मेल मारना शुरू कर देती है वो, तो वो वाली स्मेल। और स्मेल किसकी, बियर की, बियर, बियर, बियर। अब ब्रांड का नेम नहीं आया है यहाँ पे, बट हाँ बियर समझ जाओ अब, ठीक है, जो भी ब्रांड्स होते हैं, है ना। तो हाँ जो भी है, हाँ है ना, नहीं बिल्कुल पता होना चाहिए, कब जरूरत पड़ जाए। सही बात, सही बात है, रात को 8 बजे से पहले कब जरूरत पड़ जाए, और अगर गए तो क्या नाम लेकर के मांगोगे कि यार वो देना, कि भाई क्या देना, कि वो क्या, अरे वो नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है लेकिन वो दे दो, क्या क्या प्लास्टिक का, तो ये वाली बात है। सबसे ब्रांड नेम क्या है, विस्की का 500 रुपए ज्यादा है। हां वो एंटी की थी भारत में, रेड वाला वो जबरदस्त। चलिए ठीक है, तो बियर से मतलब वो बियर, ठीक है। फ्रॉम द सॉडस्ट, सॉडस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा, सॉडस्ट लकड़ी का बुरादा। ट्रैम्पल यानी कि कुचला हुआ, ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल का मतलब कुचलना होता है, ट्रैम्पल्ड थर्ड फॉर्म है तो कुचला हुआ। स्ट्रीट यानी गली, मडी यानी कीचड़ से सने हुए पैर, मडी फीट, मडी फीट, कीचड़ से सने पैर। प्रेस, प्रेस यानी कि आगे बढ़ना, प्रेस आगे बढ़ना। अर्ली यानी सुबह सुबह जल्दी, कॉफी स्टैंड्स यानी कि कॉफी की थड़ियाँ, वही दुकानें कॉफी स्टैंड्स जो होते हैं, जैसे चाय की थड़ी होती है अपने भारत में, ऐसे ही लंदन में जो है कॉफी स्टैंड वो बोल देते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना, तो इसीलिए थड़ी को स्टैंड बोल देते हैं वहाँ पे, तो कॉफी स्टैंड्स। नेक्स्ट पेज पर आइए, विद द अदर मैस्क्रेड्स, मैस्क्रेड्स मतलब डिस्गाइसेस, डिस्गाइसेस, मैस्क्रेड्स यानी कि डिस्गाइसेस, डिस्गाइस मतलब वेश बदलना, हाँ बदलना, एग्जैक्टली। द टाइम रिज्यूम यानी कि शुरू होना, थिंक सोचना। ऑल द हैंड्स यानी सभी लोग, सिनेक्टा की फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है अभी यहाँ पे, हैंड्स, हैंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, तो बॉडी के ऑर्गन से जब अपन किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करके बताते हैं तो वहाँ पे सिनेक्टा की फिगर ऑफ स्पीच होती है, पढ़ा था। तो ऑल द हैंड्स दैट आर रेजिंग, रेज का मतलब उठाना। डिंजी, डर्टी, गंदे, शेड्स यानी पर्दे, कर्टेंस, शेड्स यानी कि कर्टेंस, पर्दे। इन अ थाउजेंड, हजारों, फर्निश्ड रूम्स, फर्निश्ड रूम्स मतलब सारी सुविधाओं से युक्त कमरा, जिसका बढ़िया इंटीरियर शानदार हो एकदम, है ना, फर्निश्ड, बढ़िया फर्निश्ड रूम हो, फर्निश्ड मतलब जिसमें बढ़िया फर्नीचर वर्नीचर हो रहा हो, एकदम बढ़िया जमा, एकदम सीलिंग वीलिंग बना रखी हो, बढ़िया एकदम पर्दे वर्दे, एकदम ज़बरदस्त एसी वेसी लग रहा हो, तो उस टाइप से फर्निश्ड।
इसके बाद में आइए प्रिल्यूड थर्ड पे। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए भाई, प्रिल्यूड सेकंड, तो शाम हो गई थी प्रिल्यूड फर्स्ट में, प्रिल्यूड फर्स्ट को पढ़ते पढ़ते शाम हो गई थी, उसके बाद में रात भी हो गई, हम सो भी गए। अब जो है सवेरे सवेरे हमारी नींद खुलती है। हम घूमने गए थे वहाँ पे लंदन में, तो हम सो गए थे, बारिश आ गई थी रात को, पिछली नाइट को, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो दिव्यांशु ने कहा, सर बहुत सर्दी लग रही है, चलो अब तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। और लंदन की वैसे भी जो अक्षांशीय स्थिति है बहुत ऊपर है, है ना, तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो वहाँ पे तो वैसे भी सर्दी बड़ी भारी पड़ती है। तो इसीलिए सभी लोग सोने चले गए थे और सब सो गए थे। और अब सवेरे सवेरे, क्योंकि अगले दिन घूमने भी जाना था, तो सभी लोग सवेरे जल्दी उठना था, क्योंकि बस 7 बजे थी अपनी, कि भाई 7 बजे जो है लंदन ट्रिप पे अपने को घूमने निकलना था, तो 7 बजे बस आने वाली थी। तो दिव्यांशु सवेरे जल्दी उठ गया, 7:45 बजे, और 4:45 बजे उठ कर के इसने जो है कॉफ़ी बनाना शुरू कर दिया। अब इसने प्रवीण को जगाया, अब प्रवीण को जगाया तो प्रवीण बोलता है, अरे पागल है क्या, बाहर सवेरे अपन ने नहीं देखा था क्या, कॉफ़ी स्टैंड था, काहे को बना रहा है कॉफ़ी, वहाँ चल के पी लेंगे। तो फिर जो है इसने बनाना बंद कर दिया और सबको जगाना इसने शुरू किया, अरे चलो चलो कॉफ़ी पीने चलेंगे, कॉफ़ी पीने चलेंगे। अब जैसे ही घर की कुंडी खोली और दरवाज़ा खोल करके बाहर निकले, तो बाहर निकल करके क्या देखते हैं अपन, सुबह होने वाली है, यानी कि रोशनी तो हो गई, रोशनी हो चुकी है, दिन उग चुका है। और क्या दिखाई देता है अपने को, देखिए आगे, द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर। अब वापस से उसी गली को इमेजिन कीजिए जिस गली में हम थे पिछली शाम को, है ना, उसी गली को इमेजिन कर लीजिए आप। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर। उसी गली में, पुराने लंदन शहर की उसी गली में, हल्की सी बासी बियर की गंध के बीच से जो है धीरे धीरे सुबह उगना जो है हमें दिखाई देती है, उगती हुई नजर आती है। यानी कि पूरी गली में जो है चारों तरफ हल्की बासी बियर की गंध की स्मेल जो है आ रही है, और उसी गंध के बीच से जो है धीरे धीरे जो है सुबह राइज होती हुई हमें दिखाई देती है। यानी जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है, तो जब पोइट बाहर निकलते होंगे, तो पोइट बाहर जब निकलते होंगे तो चारों तरफ जो है पिछली रात को लोगों ने जो बियर पी होगी खाने के साथ, क्योंकि मांस तो बन ही रहा था, मांस तो पक ही रहा था, तो उसके साथ जो बियर उन लोगों ने पी होगी, तो बियर की वो जो बोतलें पीने के बाद घर के बाहर या अंदर रख दी होगी, तो उसकी बासी जो गंध है वो पूरे वातावरण में गली में फैली हुई रहती है। तो उसी हल्की हल्की बासी बियर की गंध के बीच में जो है ये दिन उगता हुआ जो है हमें नजर आता है, धीरे 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 मॉर्निंग होती है, और पूरे वातावरण में बियर की बासी बासी गंध जो है फैली हुई होती है। एंड फ्रॉम द सोडस्ट ट्रैम्पल्ड स्ट्रीट विद ऑल इट्स मडी फीट दैट प्रेस टू अर्ली कॉफी स्टैंड्स। और जैसे ही सुबह होती है, तो उस गली में लकड़ी का बुरादा जो पूरे सड़क पर फैला हुआ होता है, उस लकड़ी के बुरादे जो पूरे सड़क पर फैला हुआ है, और उस लकड़ी के बुरादे को कुचलते हुए उस गली से लोग किस तरह से अपने कीचड़ से सने हुए पैरों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, कहाँ पर, टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड्स, सुबह सुबह कॉफ़ी स्टैंड्स की तरफ जा रहे होते हैं। यानी कि जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही हमने क्या देखा, बियर की जो है बासी गंध जो है अपने को आती हुई प्रतीत हुई। यानी कि ऐसा फील हुआ जैसे बियर की बासी गंध जो है चारों तरफ बियर की गंध फैली हुई है, और ये ज़रूर पिछली रात को किसी ने पी होगी। तो और वहाँ तो नॉर्मल है, कोई एक आदमी तो नहीं, सभी लोग चलती है वहाँ पे, तो बासी बियर की गंध जो है वहाँ से आ रही थी, और सड़क पे जो है लकड़ी का बुरादा फैला हुआ था, और लोग उस लकड़ी के बुरादे को कुचल कुचल करके अपने गंदे पैरों से, कीचड़ से सने हुए अपने पैरों से, उनके पैर जो लोग जा रहे हैं इधर उधर, उनके पैर जो है वो कीचड़ से सने हुए हैं, मडी फीट हैं, कीचड़ से सने हुए पैरों से चल करते
चल करके, यानी कि जब लोग चल करके अपने गंदे पैरों से उस लकड़ी के बुरादे के ऊपर से निकलते हैं तो उस लकड़ी के बुरादे को वो कुचल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आया है सॉडस्ट ट्रेम्पल्ड स्ट्रीट, यानी कि लकड़ी के बुरादे को कुचलते हुए लोग उस गली के रास्ते से जब होकर के आगे बढ़ते हैं तो कहाँ जा रहे होते हैं, सुबह सुबह उन कॉफी स्टैंड्स पर कॉफी पीने के लिए जा रहे होते हैं। और इस तरह से सुबह की शुरुआत होती है, बियर की बासी गंध जो है हमें महसूस होती है, लोग उस गली के सड़क पर फैले हुए उस लकड़ी के बुरादे को कुचल करके अपने गंदे पैरों से सुबह सुबह कॉफ़ी स्टैंड्स की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं कॉफ़ी पीने जाने के लिए। और फिर जैसे ही सुबह होती है फिर क्या होता है, पूरे लंदन शहर का हाल क्या रहता है, विद द अदर मैस्करेड्स द टाइम रिज्यूम्स। और फिर इस तरह से धीरे धीरे जो है काफ़ी सारे लोग जो अलग अलग अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं इस तरह से पूरे उस लंदन शहर में, भाई जाहिर सी बात है सुबह हो गई, सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने काम पे निकलेंगे, तो जितने भी उस शहर में डिसगाइजेस हैं, जितने भी उस शहर में अपने अपने तरीके से काम करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग जो है उस दिन की शुरुआत के साथ जैसे ही वो दिन शुरू होता है वो भी अपना काम जो है करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, अपने काम को रिज्यूम कर देते हैं जैसे ही वो दिन की शुरुआत होती है वैसे। एंड वन थिंग्स, और एक व्यक्ति उस माहौल को देख करके यानी उस एटमोसफियर को देखे अगर कोई व्यक्ति, तो वो यही सोचेगा, क्या सोचेगा, वन थिंग्स, अगर इस पूरे एटमोसफियर को, जो मॉर्निंग का एटमोसफियर है, अगर एक व्यक्ति इस एटमोसफियर को देखे तो उसके मन में यही बात आएगी, क्या, दैट ऑल द हैंड्स दैट आर रेजिंग डिंजी शेड्स इन 1000 फर्निश्ड रूम्स, कि जैसे ही ये सुबह हो गई ना, तो जाहिर सी बात है कि सवेरे सवेरे के वातावरण को देख करके एक व्यक्ति, उसके मन में यही बात आएगी, क्या, कि पूरे लंदन शहर में जितने भी हजारों फर्निश्ड रूम्स हैं, पूरे लंदन शहर में जितने भी मकान हैं और उन जितने भी मकानों में जितने भी जो हजारों की संख्या में जो फर्निश्ड रूम्स हैं, उन फर्निश्ड रूम्स में लगे हुए गंदे धूल से सने हुए पर्दों को लोग जो है अब हटा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सुबह हो गई और सुबह की रोशनी क्योंकि उनके घर के अंदर आए, इसीलिए हजारों की संख्या में जितने भी यहाँ पे मकान होंगे और उन मकानों में जो फर्निश्ड रूम्स होंगे, उन फर्निश्ड रूम्स में सभी लोग जो है अपने अपने खिड़कियों के पर्दों को हटा रहे होंगे क्योंकि सुबह हो गई। तो इस तरह का वातावरण होता है, एक व्यक्ति जब उस वातावरण को देखता है तो उसके मन में यही बात आती है, वो सोच सकता है उस वातावरण को देख करके कि सुबह हो गई है, तो सुबह होते ही अपन दरवाज़ा नहीं खोलते क्या, सुबह होते ही अपन खिड़कियां नहीं खोलते क्या, रात को बंद कर देते हैं, सुबह होते ही खोल देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, क्यों, क्योंकि सुबह हो गई है भाई, रोशनी अपने घर के अंदर आए, तो इसीलिए जो है लोग कर्टेंस को हटा देते हैं और दरवाज़े खोल देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई है कि भाई जैसे ही सुबह का ये वातावरण हम देखते हैं तो एक व्यक्ति इस वातावरण को अगर देखे तो जाहिर सी बात है उसके मन में यही बात आएगी कि इस पूरे लंदन शहर में जितने भी हज़ारों कमरों में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी लोग जो है अब अपने अपने खिड़कियों के पर्दों को हटा रहे होंगे। क्यों? बिकॉज क्योंकि सुबह हो गई है। ये है सेकेंड प्रिल्यूड। चलिए, अब सुबह होती है तो अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। आइए प्रिल्यूड थर्ड के ऊपर लिखिए मीनिंग्स। टोज का मतलब है उछालना। ब्लैंकेट कंबल, इसके नीचे है ले यानी कि लेटे रहना। अपॉन योर बैक, पीठ के बल। अपॉन योर बैक, बैक यानी पीठ के बल। एंड वेटेड, इंतजार करना। डोज मतलब ऊँगते रहना। देखो सवेरे सवेरे जब अपनी नींद खुलती है ना तो एकदम से अपन कॉन्शियस नहीं हो पाते, थोड़ी देर 5-10 मिनट थोड़ी देर ऊँगते हैं, अरे तो रुक जाओ अभी मत जगाओ, है ना, तो कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए वो डोजनेस अपन डोज करते हैं 10 मिनट के लिए, थोड़ा जो है मतलब आधी नींद आधी कॉन्शियसनेस, ठीक है, आधी हाफ हाफ,
हाफ अनकॉन्शियसनेस रहती है और हाफ कॉन्शियसनेस रहती है, तो उस समय हम जो है रुक जाओ, तो वो वाली सिचुएशन। तो डोज का मतलब ऊंघना। वॉच द नाइट, किसमें ड्राउजी था, उसमें ड्राउजी डोजिंग नहीं था उसमें। Watched the night reveal, reveal का मतलब होता है प्रकट करना, reveal प्रकट करना। बताना, प्रकट करना। The thousand हजारों sordid यानी कि गंदी, image यानी छवि, soul यानी कि आत्मा, कॉन्स्टिट्यूटेड बने होना, कॉन्स्टिट्यूटेड बने होना। फ्लिकर, फ्लिकर का मतलब चमकना। अगेंस्ट सीलिंग, सीलिंग का मतलब ये ऊपर छत, छत के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सीलिंग। जैसे सीलिंग बनवाते हैं ना अपन, तो वो उसको सीलिंग बोलते हैं। हाँ, जैसे ये सीलिंग फैन है, तो उस डिजाइन बने केवल उसी को सीलिंग नहीं कहेंगे, ये भी सीलिंग ही है ना। छत के नीचे का जो हिस्सा होता है ना उसको सीलिंग ही बोलते हैं अपन, है ना। इसलिए अब उनकी सीलिंग तो ऑलरेडी बनी हुई रहती है, लेकिन वो सीलिंग के नीचे एक और सीलिंग बनवा लेते हैं, फॉल्स सीलिंग, तो इसलिए उसको सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग हमने बनवा ली, तो ये भी सीलिंग ही है, और इसीलिए इसको सीलिंग फैन बोलते हैं, सीलिंग फैन। हाँ, छत के अंदर का हिस्सा, कमरे के अंदर, छत के नीचे। तो अगेंस्ट द सीलिंग, अब फ्लिकर करना मतलब होता है चमकना। देखो, अब जैसे आपने देखा होगा दीपक को, आपने देखा होगा दीपक की जो लो रहती है वो बार बार जो है ऐसा लगता है जैसे बंद हो रही है, फिर चालू हो रही है, फिर बंद हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर तेज़ हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर तेज़ हो रही है, हवा की वजह से। देखा होगा ना आपने कई बार, तो उसको बोलते हैं फ्लिकर करना, कम होना, फिर तेज़ होना, फिर कम होना। जैसे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट आजकल तो क्या है, सीधे जल जाती है, टुडुंग। पहले क्या होती थी, ऐसे ऐसे करके चलती थी पहले, है ना। ऐसे करके चलती थी पहले, जल्दी थी ना ऐसे, तो उसको बोलते थे फ्लिकर करना, लिपजिप लिपजिप करना। हाँ वही, लपजप लपजप, फ्लिकरिंग बोलते हैं उसको, लिपजिप लिपजिप करना। अरे यार क्या मस्त लिपजिप कर रही है तेरी लाइट है यार, जैसे दिवाली पे लाइटें लगाते हैं तो लिपजिप करती है ना, लिपजिप करती है दिवाली पे। हाँ, जैसे दिवाली पे अपन सीरीज वगैरह लगाते हैं घर पे, है ना, तो वो लाइटें भी बिल्कुल चम 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 ऐसे चमकती है, तो वो भी फ्लिकर कर रही होती है भाई, उसको फ्लिकर करना बोलते हैं। आपकी वाइफ फ्लिकर करती है, किसकी वाइफ कर रही है फ्लिकर? काय को बेचारे की वाइफ को बदनाम कर, वो एक तो पहले ही मार दी उसने, एक तो माय लास्ट डचेस में उसने तो बेचारी ने पहले ही मार दी, आप एक और का मर्डर करवाने में लगे हुए हो। देखो, एक वाइफ को फ्लिकर करना शोभा नहीं देता। हाँ, और अगर करे तो अपने वाले के सामने ही करे, दूसरे के सामने ना करे, वरना पता लगे कि माय लास्ट डचेस वाला सीन हो जाए, क्योंकि वो बेचारा भी यही चाहता था कि भाई जो भी करे मेरे सामने करे, दूसरों के सामने क्यों करे, मेरी है तो मेरी ही रहे। तो ये बात है भाई, लेके मैं आया हूँ ना, तो ये है, तो ये बात है यार। लेकिन वो तो उसके सामने, सबके सामने, हाँ हाँ, ये बात है, गलत बात है यार ये।
हाँ ना, नहीं ये इस बात से मैं भी वाकिफ हूँ, मैं समझ उससे समझ सकता हूँ मैं उस बेचारे का दर्द, क्या दर्द बीतता होगा उसका। हाँ रियल में रहेगा ना, मार दिया ओ पा, क्या दुखी था हो गया आज ना, मार दिया फिर तुम्हें एक टीचर दूसरी पर जैसे मार दे रहे थे टीचर की सर बस तुम्हें एक टीचर दूसरी पर पट्टी नहीं वो भी चाकू से हां मार दो वो भी डाल कर क्लास में अब यार सन की माइंड वाले लोग रहे। देखो यार मतलब कई बार चीजें क्या है आउट ऑफ कंट्रोल भी चली जाती है, वो बताना चाहिए फिर लड़की को, ये तो आप आ जाओ नहीं कई बार चीजें कई हाँ हाँ तो फिर किसकी रहो ये शादी के बाद पति की रहनी चाहिए, फिर और किसकी करवा, पूरे मोहल्ले की करवाओगे क्या फिर क्या आप? हाँ ये पॉइंट तो गलत है, नहीं तो ऐसे दूसरे की तरफ तो ऐसा तो नहीं करना, ये तो नहीं कर नहीं सकती ना। हाँ हाँ वो बात अलग है, बाकी ऐसे यार लिबर्टी अपनी जगह है ना, लेकिन इतनी ज्यादा लिबर्टी भी नहीं होनी चाहिए कि हर किसी के साथ ही। हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसा तो ऐसा तो करो ना कह रहे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना, लॉयल रहना अपनी जगह। यार सर कहेगा नहीं क्या उद्यम, वो अगर किसी को मतलब किसी और के साथ अगर देखेगा तो सर कहेगा नहीं क्या उसका, आप ये बताओ। तो ये बात है, सबको सोचना चाहिए है ना, तो लॉयल रह करके काम करना चाहिए, लॉयल्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ नहीं नहीं है, सभी कुछ सोचते भी हैं, हो सकता है कुछ गर्ल्स नहीं सोचती हो, कुछ बॉयज नहीं सोचते हो, लेकिन कुछ गर्ल्स भी सोचती है, कुछ बॉयज भी सोचते हैं। हाँ ये बात है, चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट पेज पे आइए। व्हेन ऑल द वर्ल्ड केम बैक, व्हेन ऑल द वर्ल्ड केम बैक, पूरा अंडरलाइन करके लिखिए, व्हेन इट वाज डेलाइट, जब सुबह हो गई, व्हेन इट वाज, व्हेन इट वाज डेलाइट, जब सुबह हो गई, व्हेन इट वाज डेलाइट, जब सुबह हो गई, लाइट लाइट यानी कि रोशनी, क्रैप्ट ये क्रीप की सेकेंड फॉर्म है, क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट, क्रीप यानी कि सरकना आगे बढ़ना, बिटवीन द शटर्स, शटर यानी कि दरवाजे, शटर यानी कि दरवाजे, एंड यू हर्ड द स्पैरोज यानी कि चिड़िया, स्पैरो चिड़िया, गटर यानी कि नाला, स्पैरोज यानी कि चिड़िया, गटर यानी कि नाला, You had such a vision, vision यानी कि स्वप्न, vision, vision यानी कि स्वप्न, dream, dream, सपना, हाँ, street यानी कि गली, as the street hardly, hardly यानी कि मुश्किल से ही, मुश्किल से, understand समझना, hardly मुश्किल से, understand समझना, नेगेटिविटी को शो करता है ये, सिटिंग अलोंग, अलोंग यानी कि सहारा लेकर के, बेड्स एज पलंग का किनारा, बेड्स एज पलंग का किनारा, वेयर यू कर्ल योर हेयर, कर्ल कर्ल का मतलब घुंघराले करना, कर्ल करना, देखो गर्ल्स आपने देखा होगा वो कर्लर, कर्लर का यूज़ करती है अपने बालों को कर्ली बनाने के लिए है ना, तो कर्लर आता है मार्केट में मिल जाता है,
तो उसको ऐसे ऐसे लपेट लपेट करके थोड़ी देर रखो, छोड़ दो, फिर अपने आप ऐसे ऐसे हो जाते हैं। हाँ 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 तीनों आने लग गए आजकल एक साथ। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। तो 3-in-1 वाले की ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे को 2-in-1 वाले की तो ध्यान है। स्ट्रेटनर और कलर का तो पता है मेरे को। हाँ वो देख लिया वो मैंने, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, एक तो स्ट्रेटनर आता है और कलर आता है, बाकी तीसरे का ध्यान नहीं है। जाने दुनिया भर में जाने क्या क्या हो रहा है भगवान। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यू कर्ल, कर्ल का मतलब घुंघराले बनाना योर हेयर, बालों को, फ्रॉम द पेपर्स, पेपर्स यानी कि कुछ कागज वगैरह लगा करके, है ना। अब वो हो सकता है उसके पास कोई पुरानी टेक्निक रही हो, क्योंकि पुराना लंदन शहर है, पुराने समय की बात है, 20th century की बात है, उस टाइम तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटनर वगैरह आए नहीं होंगे, तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से अपने बालों को कर्ली बनाने के लिए यूज़ करती हो वो, है ना, कुछ पेपर वगैरह का यूज़ करती हो। आपने देखा भी होगा पहले जब ये स्ट्रेटनर वगैरह नहीं आते थे तो वो कुछ कागज़ के ऐसे रोल बना करके उनके लपेट दिए जाते थे बालों को। हाँ फिर बहुत देर तक वो ऐसे ही रहते थे, काफ़ी देर तक, आधे आधे घंटे तक उनको ऐसे ही रखना पड़ता था, तब जा करके कर्ली होते थे, फिर उनको निकालना पड़ता था एक एक। तो किसी मूवी में देखा था इसीलिए मुझे पता है। तो यार हमने भी मच्छियाँ थोड़ी पकड़ी है। इसके नीचे देखिए इलेस्प, इलेस्प यानी कि थामना, पकड़ना, इलेस्प थामना पकड़ना। येलो सोल्स, येलो सोल्स यानी कि पीले तलवे, येलो सोल्स पीले तलवे, ये पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, तलवा, तलवे कहते हैं ना अपन, तलवे चाटना, तो वो तलवे सोल। हाँ ये है वो तलवे, अभी तक पता नहीं लगा था कि आपको। अरे जूते के नीचे का सोल नहीं होता क्या? सोल, सोल इसका सोल, हाँ ये नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सोल, तो पैरों के नीचे का हिस्सा उसको भी सोल बोलते हैं, है ना, सोल, सोल ऑफ फीट यानी कि पैरों, पैरों के तले, तलवे। और वो कौन से कलर के? येलो कलर के, पीले। अब येलो इसलिए आया है क्योंकि अंग्रेज़ की लड़की है, अंग्रेज़ की लड़की मतलब इंग्लैंड में रहने वाली लड़की है, अब उन लोगों की जो स्किन होती है वो येलो येलो ही रहती है, आप जानते हो, बाल भी उनके ऐसे ही रहते हैं येलो कलर के, है ना, और स्किन भी बिल्कुल ऐसी रहती है जैसे कि येलो येलो हो, ऐसा डार्क अपने इधर इंडियन साइड का कलर नहीं होता उनका, है ना, ब्राउन रहते हैं, कुड़ी ये नहीं तेरे ब्राउन रंग थे, तो वो वाली चीज़ है ना, तो वो वाली बात, तो बिल्कुल येलो येलो उनकी स्किन दिखाई देती है बिल्कुल एकदम, आप देखना उधर के लड़के वगैरह, आदमी वगैरह, औरतें वगैरह सब बिल्कुल एकदम, यार इतना गोरा कलर भी अच्छा नहीं लगता यार, अपने इंडिया का जो कलर है ना ये बिल्कुल बेस्ट है। हाँ नहीं बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब कहते हैं ना वो बेन स्टोक्स, हाँ आप देखो, हाँ इतना ज़्यादा मतलब गोरा कलर भी अच्छा नहीं होता अपने। हाँ एक तो बेचारे वो अफ्रीका वाले वो मतलब नजर ही नहीं आते हो, है ना, हाँ वो बेचारे नजर, एक तो वो है जो नजर ही नहीं आते, अगर वो सीरियसली मतलब एक तो कंडीशन, मतलब भगवान ने कितनी असमानता दी है,
एक तो एक इंसान तो ऐसा बना दिया जो मतलब दूर से देखे ना तो ऊपर से लेके नीचे तक व्हाइट कलर की शर्ट अगर वो पहन करके आ जाए तो ऐसा लगे शर्ट शर्ट ही नजर आए सिर्फ। आदमी कहाँ गया? फिर नजदीक आकर अच्छा है क्या? ओ माय गॉड, दूर से तो शर्ट शर्ट ही नजर आ रही थी मुझे से। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। नहीं वो तो खैर मजाक मजाक नहीं बना रहे अपन, है ना, ऐसी वाली बात है। हाँ बाकी अपना वाला जो इधर का कलर है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्या यार, जो जिसको देखेगा वो उसी के बारे में बताएगा ना, है ना? आप ये वाली बात है। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, जिंदगी में आया हूँ सब देखना है, जिंदा मत कुछ भी बिना देखे मत छोड़ना, सब देख कर ही जाना, अनसीन कुछ मत छोड़ना। खान पान भी बेटर करता है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि नहीं खाते रोटी वगैरह बाहर नहीं खाते। बाहर रोटियां वगैरह नहीं चलती, रोटियां वगैरह सब यहीं पे। इसके नीचे है पाम्स, पाम्स यानी हथेलियां, पाम्स यानी हथेलियां ऑफ बोथ सोइल्ड, सोइल्ड का मतलब गंदे, सोइल्ड यानी डर्टी, हैंड्स यानी हाथ, गंदे हाथ। टाइम है पढ़े? लग गया लग गया।